अपनी शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। दास दानों के अवगुण का
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भावने। हरि ओम शांति 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 ओम प्रभु। इसलिए भगवान कृष्ण की गुरु भगवान कृष्ण महाराज की मैंने आपके गीता चुट के अनुपम ज्ञान को प्राप्त किया उसका प्रभाव मेरे मन पे क्या पड़ा समर्पण। जब भगवान का इतना ज्ञान मिलता है तभी मैंने कुछ धूर्य समझाया इसके बाद क्या मन चाहता है पूरा रूप से समर्पण मनसा वाचा करना बाई हैंड हॉल्ट एंड हैंड हर भगवान के बन जाते हैं। यही इससे तुम दो लाइए गीता द्वारा समझाने की चीज करती है। जिस गरी प्रभु ज्ञान तेरे का नजारा पा लिया जिस गरी प्रभु ज्ञान तेरे का नजारा पा लिया जिस ज्ञान का मुझे नजारा मिला मुझे समझ आई कि आपने मुझे बताया मैं क्यों जन्मा प्रकृति क्या है आप क्या है। जब ये नजारा मुझे मिल गया मुझे समझ आ गई जिस गरी प्रभु ज्ञान तेरे का नजारा पालिया जिस हाय हाय ज्ञान तेरे का नजारा तालिया क्या प्रभाव मन के पड़ा जो पत्नी करती है हरी क्रिया का प्रभाव भी तो पड़ता है। जानो दिल कुर्बान करने हरे जानो दिल कुर्बान करने जिस गरी प्रभु ज्ञान तेरे का नजारा तालिया जानब कुर्बान करने का इशारा तालिया जिस पक्षे ऐसा ही है
जाना दिल कुर्बान करने का इशारा पा लिया। प्रभु जान तेरे का नजारा पा लिया, जिस गरी प्रभु जिस गरी प्रभु जान तेरे का नजारा पा लिया। जाना दिल कुर्बान करने का इशारा पा लिया। बहुत अच्छे तू ही तू है, तू ही तू है, तू ही तू एक तू ही तू तू प्रभु नमो भगवते
सनौ आवतु सनौ भुनक्तु सेवीर्यं करवा ते जतिनौ अधीतमस्तु मा विद्विषा। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु ब्रह्म विद्या गीता भगवती की। जादू में क्या बोलने जा रहा हूँ? तन से परे, मन से परे, बुद्धि से परे, कुछ भगवान का चिंतन करे। बड़ा मर्तबा है, इन तीनों से परे आत्मा का चिंतन करे। जैसे कि भाई ये तेरी टोकरी उसकी समझो की है और वो भी टोकरी ऊपर पड़ी है और जो तीसरी पड़ी है वो भी टोकरी और जो चौथी वो भी संतरी है। हाँ, नीचे नीचे वाली क्या कीमत है? मैं ऐसे कह रहा हूं, मुझे नहीं मार्केट का पता। ये तो 2 रुपए किलो है। अच्छा, ये ऊपर 4 रुपए किलो, और जो तीसरी पड़ी है ये 8 रुपए किलो, और जो ऊपर पड़ी है 20 रुपए किलो। आप ही मुकाबला करके देख लो, वो दे दो 20 रुपए किलो वाली। इसी तरह अगर भगवान विवेक की बुद्धि दे मेरी देवी, अगर हम शरीर को देखें इसकी कीमत कुछ, भले कर्म में लगा हुआ तब तो कीमत आए, वरना क्या है? मल मूत्र बनाने वाली मशीन, गंदी चीजें निकालने वाली मशीन, ये जी गंदी निकाल रही है। शायद ही कभी आपको मौका मिला हो, गांव वालों ने जो गोबर गैस पैदा की है, अगर कभी मौका मिले जाना, सवेरे जब सूर्य उदय होता है, उन्होंने बताया होता है गवर्नमेंट वालों ने, हाँ विशेष महकमे ने, कि तेरा इतना गए तूने रोज सवेरे 8 तसले गोबर के डाल दिए और फिर सूर्य अस्त होने के बाद 5 डाल दिए। इतना उनका मुकर्र होता है, किसने बड़ा बनाया होता है, छोटा बनाया होता है, तो वो तसले गोबर के डाल, एक जगह अलग बनी होती है। अच्छा जी, तो सारा दिन तेरी ये गैस निकलती रहेगी, अपन लाभ खाते रहेंगे। अच्छा जी, लेकिन साथ ही देखिए गंद निकल रहा होता है परी तरफ से, इसलिए उनको घर के परे जिनकी जमीन खुली हो एक तरफ बनाना पड़ता है। जो गोबर का अंदर जो गंद हुआ ना, गोबर का हाँ गंदा, उसमें वो भी आती है, उसमें गंदी गैस निकलती है, तो पर एक पाइप होता है उसमें से गंद निकल रहा होता है, गंदा गोबर गंद, यही हमारे शरीर का गंदी हवा, गंदी गैस निकलती है, हर अंग से गंद निकलता रहेगा। तो गंद बनाने वाली मशीन, भाग आपके अच्छे कि आप इस गंदी मशीन से भगवान की ओर लग, वरना ये विचार किया जाए बार 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 बार, हाँ शुभ कर्म रह जाएंगे, अशुभ कर्म आप विचार किसके करें? दरा आदमी अगर भगवान बुद्धि जैसे आपको दिए बैठेंगे, सोचे किसका विचार करें? पिताजी काफी अपनी आयु खा बैठे हैं, क्या विचार? मेरी जो मन पड़ता सेवा, दान से करवाता हूँ, सेवा इनकी करता हूँ, बस माता पिता बहन भाइयों के ब्याह में कर चुका हूँ, पत्नी की मैं कभी नहीं टालता, जो कहती है ठीक है, मैं उसका चिंतन ही क्या करूं। भाइयों को जो मेरी मदद चाहते हैं, बड़ा भाइयों मैं मदद कर देता हूँ। अब उनका चिंतन करने योग्य इसलिए नहीं है, क्यों? क्योंकि काल एक हाथ से इनको आवाज से बाहर, आ जाओ आप, सब उनके इशारे को देखकर काल की ओर, माँ जी पिताजी बहन जी भाई पत्नी पति सब जा रहे हैं, सब क्यों जा रहे हैं? दुनिया बनाने वाले से पूछो, जो सारी सृष्टि बनाकर 83 लाख योनियां बनाकर उसके बाद शंख में ये ध्वनि भर दी, जो पैदा मैं क्या कहूं आप? सृष्टि बनाने के बाद भगवान ने नियम ये बना दिया कि जो कुछ मैंने बनाया है कुछ समय के लिए बनाया है, बाकी सब के सब खत्म हो जाए। सब कितनी बेरहमी से भगवान शरीरों को साड़ते हैं, कितने, मैं 2 शब्द कह रहा हूं अगर भगवान मुझे क्षमा कर दे, कितने प्रेम से भगवान के मां के पेट में शरीर बनाया जाता और कितनी बेरहमी से इसे साड़ दिया जाता। दोनों
से ध्यान से शरीर का एक एक अंग मां की गर्भ में बनता है और कितनी बेरहमी और कठोरता से इस शरीर को सड़ देता है। डालो मोटे मोटे गुड्ढों के अंदर, डालो लकड़ियों के अंदर, लकड़ियां कुछ नीचे फिर उसको डालकर ऊपर फिर लकड़ियां डालो और हाय 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 आहा जी 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 जी। जिसके लिए बाप इतने झूठ बकर फरेब पापड़ गिरता कुर्बानी करता अपने पुत्रों के लिए, बहुत उसके माता मकान बना, ये कर वो कर, मुकदमे थे वो सब जीत लिए, उनकी छत क्या कर उनको सुख दे, इतना कुछ सबसे पहले वही पुत्र उसके सिर को था। जिस बाप ने इतना किया, देखो भगवान ने क्या कथा बना रखी है, इतना कुछ वही पुत्र उसके सिर को पहले सारे वही जलाएगा उसके सिर को, वही मां को सारेगा पहले। हमारे हिंदुओं में सिर को पहले आग लगाई जाती है और लगाता कौन है जो उसके अत्यंत नजदीकी होता, जिसके ऊपर उसके बड़े उपकार है, जिसका सिर रखने के लिए मां बाप इतना कुछ करती है, मरने के बाद उसी के सिर को पहले सारा। वहां पर विचार किया जाए इसको मेरे अभ्यास पर बन करे फिर आप पैदा हो जाता है और मन भी विचार कर हट जाएगा, मेरी भी वकूफी है, किनके विचार कर रहा हूं जो मेरे साथ धोखा कर रही है, धोखा जो हमें छोड़े जाने, धोखा जो हमारे साथ नहीं रहे चले जाए। आप बुद्धि बोलो, बुद्धि तो क्या इरादे करते हैं, जो भी तू इरादे करेगी संसार संबंधी धोखा करे, इसलिए तेरे बनाने वाले तुझे राय दे रहे उनका नहीं मानती, लख लाल तुझे वो तुझे कहते बस केवल कर सच्चे दिल से तू केवल मेरी भक्ति कर तजस्वान। अच्छा बनाने वाला तेरा ये कह रहा है जो तेरे बिल्कुल नजदीक है, और बुद्धि में एक इरादा परमा पुरुष बुद्धि कोई, जब बुद्धि में एक ही इरादा बुद्धि कोई है, अरे मिल्क प्लांट वाले सिर्फ दूध बेचे शायद तू जाएगा नहीं, क्यों दूध की प्रोडक्शन होनी चाहिए ना, उत्पादन होना चाहिए, और भी दूध तो आप किसी डेयरी फार्म से ले सकते हैं, और किसी भी डेयरी फार्म के पास जाइए आपको दूध मिल जाएगा, नहीं हमें उसमें पनीर भी मिल जाता है, हमें वहां से छाछ मिल जाती है, हमें वहां पर बड़े बड़े दूध के हुए या वो इतने बड़े बड़े नहीं बने हुए खोए के वो मिल जाती है, अच्छा घी मिल जाता पेड़ के घी मिल जाती है और घी के बड़े प्रोडक्ट मिल जाते हैं, वहां से कई चीजें मिल जाती है वहां से। अब तो और भी गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कई चीजें और बना रही है, मैं आपको आज सूचना देता हूं, एक कर्मचारी कह रहे थे गवर्नमेंट और तैयार कर रही है दूध के और नए नए प्रोडक्ट बना रही है, तो प्रोडक्ट यानी उत्पादन मिलता तभी जाते हैं ना, हाँ एक ही दूध हो तो जब एक इरादा करे और बुद्धि को उत्पादन ना हो ना होने के बराबर हम उसको मिल्क प्लांट थोड़ा कहेंगे, हम उसको क्या डेयरी फार्म कह देंगे अगर सिर्फ दूध दे तो, हाँ अगर दूध का उत्पादन होगा तब हम खाने चीजें, ये बुद्धि के उत्पादन गंदे विचार से कल विकलम फिर आगे गंदे मंदे कर्म, ये गंदे इरादों का उत्पादन है ठीक है, हाय वो मिल्क प्रोडक्ट ये क्या है हमारा इरादा प्रोडक्ट, गंदे इरादे किए फिर उसकी प्रोडक्शन ले लो, गंदे विचार गंदे कर्म फिर नाना प्रकार के दुख, अगर ये ना करे तो तन भी कोई नहीं मन भी कोई नहीं बुद्धि भी कोई, फिर क्या है उसी की जात है, ये त्रिगुण अतीत होना है। अब जब तक सान तीन गुणों में है तो हमारे ईश्वर क्या चिंता करेंगे, कभी तक के आम आपसे वो कहे मैं कर्म छोड़ करके रिहा होना कर्मों के दिया, कर्म से छूट नहीं सकता, कर्म उसे करने होंगे, कब जब तक तीन गुणों में है तब तक। अब तीन गुणों से उठता है कोई कोई, इसलिए रब ने कहा अगर आप तीन गुणों से नहीं उठ सकते ना अंदर हलचल मचा दो, है क्या आप अंदर में ये भाव कर दो मैंने जीवन भगवान के लिए काट, मैंने इस गंदे जहान के लिए बेवफा जहान के लिए बेवफा को अपनी हिंदी बोलते कृत कर, इस कृतगत जहान के लिए मैंने अपनी जिंदगी नहीं काटी, आप अंदर यह हलचल मचा दे क्रांति आ जाएगी हमारे अंदर,
इंकलाब आ जाएगा, मेरे केवल भगवान की जिंदगी काटनी है, तो क्या होगा? कर्म तो होंगे पर कर्म आगे उत्पादन नहीं करेंगे, संस्कार नहीं पड़ेंगे, कर्म से आगे और कर्म बढ़ेंगे नहीं है, कर्म से आगे और नहीं बढ़ेंगे। शाबाश शाबाश शाबाश, आगे नहीं है बढ़, आगे निकलेंगे नहीं। बहुत अच्छे, जैसे कलर वाली जमीन में कुछ भी बोया जाए उगता नहीं, क्योंकि उसके उत्पादन जो शक्ति है वो नहीं है, है? जी हाँ, जिसे हम कहेंगे ऊसर भूमि, उर्वर नहीं, ऊसर, ऊसर में या बैरन लैंड में कुछ नहीं होगा, वो फर्टाइल लैंड में तो उग जाएगा, जरखेज है, लेकिन बंजर में तो कुछ नहीं होगा। इसी तरह जी 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 जी, जब भगवान के प्रेम में कर्म की जाती है तो अंतकरण बंजर हो जाता है, याद रखना। क्यों? अंतकरण में वासना नहीं रहती, इच्छा ही नहीं रहती, क्या अधूरा पना नहीं रहता, कोई अरमान नहीं रहता, तो कर्म तो किए जा रहे हैं, पर ऐसे कर्म आगे कुछ पैदा कोई कोई ऐसे कर्मों से कुछ आगे उत्पन्न नहीं होता। ये भगवान की बड़ी मेहरबानी हमारे पर, बड़ी मेहरबानी हमारे पर, बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी मेरी देवी हमारे पर, क्या कि कर्म आगे कामने वास्ता बना करके हमें जंजाल में नहीं डालते। भगवान कहते हो बेवकूफ, हाँ तू कर्मों को छोड़ के कहते मैं जंजाल छुट जाऊं, ऐसे नहीं छुट सकता, कोई संस्कार अंदर है, अरमान अंदर है, ये तो पहले अभ्यास किया हो, भगवान जी के अनुसार जीवन बनाया जाए। ऐसे भगवान ने कहा अगर योग वो योग कमाता रहे तो मन उसका, तो योग तो कमाता नहीं, योग पे श्रद्धा नहीं, भगवान पे श्रद्धा नहीं, और क्या मैं कर्मों के जंजाल से छुट जाऊं, नालायक, वो मूर्ख है। इसलिए तो भगवान ने कहा वो क्या है, वो मूर्ख है, में खाम का रजुगा में डालेंगे इंशाल्लाह। हमारे जैसे रजोगुणी वालों से भगवान की बातें ना करें, आप जैसी हैं जिनको भगवान की तरफ झुकाव है, अगर किसी को भगवान की तरफ देखती हुई सगी बहना चाहे मेरी भाभी है कोई भी क्यों ना हो, भगवान की तरफ झुकाने की बातें ना करो। क्यों? इन बातों को अपना तो सकेंगे नहीं, उनमें और दूधा पड़ जाए, क्योंकि उधर रजोगुण धक्के मारेगा, हाँ इधर सतोगुण की आपकी बातें भी उनको अच्छी लगी है, क्योंकि सतोगुण भी तो हर एक के अंदर है, ये भी अच्छी बातें लगेगी, और रजोगुण ज्यादा है तो ये अच्छी लगेगी, वो ज्यादा है तो क्या अपना नहीं सकेंगे, हद तक मच गई। कहते वो बड़े मूर्ख है जो रजोगुणियों को भगवान की बातें बताती है, हाँ जिन्होंने सुनी है उनका वही हाल होगा जहां एक पति की दो औरतें हो जैसे उसकी दुर्दशा हो और एक नीचे रहती है ऊपर है दो मंजिला हो तो वो नीचे खींचे नीचे नीचे, आप मेरे पास क्यों नहीं रहती है, उस चुड़ैल के पास क्यों रो जाती हो, मैं भी तो आपकी पत्नी हूं, वो उसका बाजू खींचेगी नीचे, वो उसका बाजू खींचेगा और क्या हाल होगा उसका, जैसे आजकल कश्मीर का हाल, कश्मीर क्या है एक आदमी की दो औरतों की तरह, उधर वो खींच रहा है, ऐसे नमक हराम कश्मीरी है, मैं क्या बोलूं, आज तो गणतंत्र दिवस है, इनको इतनी बुरी सजा मिलनी चाहिए हमारी गवर्नमेंट, नमक हराम अंदर से पाकिस्तान के साथ है और बाहर से हिंदुस्तान की सस्ती चीजें खा रहे, बहुत नमक हराम, बहुत नमक हराम, देश से लेते हैं सस्ता, हमारे यहां महंगी चीजें उनको सस्ती चीज मिलती है, सस्ता देश से लेकर फिर भी जब जयकारा मारेंगे तो ये नहीं कि हिंदुस्तान की जय जयकार करें, आज आज निवास में जाकर क्या पढ़ेंगे, या अल्लाह बुला ले मदीना, हे मेरे दाता आज इनकी फरियाद सुन ले, इन नलायकों को निकाल के मदीने ले जाए, रहेंगे हिंदुस्तान में और जब गुण गाने हो तो या अल्लाह बुला ले मदीना, इसे बोलते अपने देश के साथ गद्दारी। ये नहीं कहते मेरे देश का फल फूले पिले, मेरे हिंदुस्तान फूले फले, फिर भी हमारे देश की मूर्ख गवर्नमेंट बर्दाश्त करती है जब वो नारे मारती है या अल्लाह बुला ले मदीना, अरे नलायक खा तो हमारा रहे हो, हवाइयों हमारी ले रही हो, मल मूत्र हमारी धरती में छोड़ रहे हो, और जब गुण गाने हो तो या अल्लाह बुला ले मदीना, तब मक्का मदीना की बातें करते हो। तो बेटे इसी तरह मन का बुरा हाल होता है, बुद्धि का बुरा हाल होता है जब आगे बढ़ती जाती है कामनाएं, वो कामना कहती है मुझे पूरा कर, वो कहती मैं जरूरी हूं मेरा पूरा कर, तो आपस में क्या हो गया, दम छिल गया। इसको मेरे भगवान ने कहा परेशान ख्याली रसो, और आज के पाठ में रिहा हो न क
कर्मों की इस तरह में हमारे कृष्ण हमारे जगत गुरु हमें आशीर्वाद दे रही है। आज हमें पाठ दिया जा रहा है इस युग में कर्म छूट जाओ, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसी बात नहीं बनी। हाँ उस जिसने दो शादियां की है बड़ा मूर्ख बना है, हाँ उनको अलग अलग अपने पास रखे, एक ही बिल्डिंग में अलग कमरे बनाए जाए, हर रोज मिलता रहे, हर रोज आदर मान देता रहे, कभी झगड़ा हो ही ना, वो फिर कौशल्या की तरह और अपनी बाकी पत्नी की तरह बड़े प्यार से रहेंगे, बड़े प्यार से। जब कई दिनों के बाद एक को मिलना है, कई दिनों के बाद दूसरे को लड़ाइयां झगड़े फसाद आपने इस तरह भगवान का विचार अंदर रखे, तब भगवान क्या कहती है वो कर्मों से रिहा हो जाएगा, क्योंकि आगे मास्टर बनेगी नहीं, इसी उनको न सुनाया है जो रजगुनियो दिनियो भगवान ने रोका, ये रात उससे मत कह जो जो मेरा भगत नहीं है, जिसको मेरी सुनने का शौक नहीं है, जिसको मेरे प्रति श्रद्धा नहीं है, हाँ उसके ये बातें ना सुनाओ। क्या वो कटाक्ष करने वाले गए, बाल की खाल उतारने वाले हैं, भगवान को रख रख के सुनाती है, गीता में नुक्श निकालती है, गीता सुनाने वाले में अगुन निकालते गए, ये रात उससे मत कहे जो सुनने का ख्वाहिश नहीं, जो हो मत जबान नुकता की ही सुनने का खान, चाहे आपके पिताजी भी हो पुण्य की जगह आप पाप कर रहे, ये कितना नजदीकी रिश्ता मेरी देवी आपको अच्छे लगते हैं ना, उनको नहीं अच्छा लगता, आप कलाकंद खा रही है, हाँ अब आप पति कह रही है जरा मुंह खोलो मैं कलाकंद डालू, ताजा बड़ी कलाकंद फेंक रही है, कौड़ी लगती है कलाकंद कौड़ी, मुझे तो इतनी मीठी लगती है, नहीं तेरी कसम मुझे कौड़ी लगती है, क्यों क्या बात बेटी आप हैरान ना हो, उसको बुखार चढ़ा हुआ है, इससे उसका 103 दर्जे पर बुखार 104 दर्जे पर जाने वाला है, तो खाना तो मुंह से है तो मुंह का लुबाब कड़वा है, हाँ इसी से कड़ा लगेगा, वापस कहती है अरे भाई आपको भगवान की वाणी अमृत से भी मीठी लगती है, हाँ उनका अंत किसको मजा आता है मन को, तो मन में तो रजोगुण बड़ा हुआ है, उनको अमृत जहर लगता है और जहर उनको अमृत लगता है, क्योंकि मजा तो लेना मन ने, तो मन में तो रजोगुण है, रजोगुण को क्या होता है ये पहले ये अमृत फिर जहर है, रजोगुण मुसर्रत की एक, इसलिए उनको गंदी बातें लगती है, आपकी आपको अच्छी लग रही किसको अच्छी लगती है मन को, तो मन में तो उधर रजोगुण आप शुक्रगुण की अधिकता है, ये आप नहीं देखते, मैंने इस बात पर बड़ा विचार किया, भगवान ने क्यों रोका है, क्या हर एक का बर्थ राइट नहीं, जब भगवान कहते हैं सारे जहां का माता पिता तो उनकी छोटी की वाणी हर एक के लिए नहीं, जैसे घर में पिताजी की दादा हर भाई के लिए गए, हर भाई के लिए गए, हर एक के लिए गए, वाह हर एक के लिए गए, वाह हर एक के लिए, जो पिताजी है तो क्या माता हमारे माता पिता भगवान है तो क्या उनका उपदेश हर एक उनकी जिदाद तो यही है, भगवान की जिदाद हम कहेंगे भगवान का ज्ञान, उसके बाद जो मर्जी बोलते जाओ, भगवान की प्रॉपर्टी या जिदाद या संपत्ति क्या है भगवान का ज्ञान, यहां तक हमारे गुरुओं ने कहा क्या जो भगवान की संपत्ति ज्ञान को नहीं संभालेगा उस पे आएगी हर कदम पे विपत्ति, सुनेगा ना मेरी जो हंकार से, जो भगवान की संपत्ति नहीं संभालता, संपत्ति का विपरीत अर्थ है विपत्ति, उस पे आएगी विपत्ति, उस पे आएगी मुसीबतें, बिल्कुल सत्य देखा हमने, बिल्कुल बात सत्य है, पर उनका उनके पास है ही रजोगुण, विशाल जी के हम बड़े ही कई रूपों में संत तुलसीदास महाराज जी संत शिरोमणि जी के पड़े, कितना सुंदर उन्होंने इस भगवान के इस श्लोक का अनुवाद किया है, ये राज उसे मत कह, उन्होंने क्या अनुवाद किया गीता जी के अपने रामायण में, उन्होंने होरी कर दिया उसी पूरक पाप से, कारण बता दिया भगवान ने ऐसा क्यों कहा है, वो मेरी देवी तुलसी पूर्व पाप से हरि चर्चा न सुहाए, हरि की चर्चा जो इतनी मीठी होती है देवता भी तरसते हैं कि हम लोग सुने, तो उनको नहीं अच्छी लगेगी, क्यों तुलसी पूर्व पाप से पूर्व जन्म के पापों से हरि चर्चा न सुहाए, जैसे ज्वर के वेग से भूख खूब ज्वर बुखार चढ़ा हुआ हो उसको भूख लगेगी, उसे मीठी चीज भी कड़वी लगेगी,
इसलिए अगर आप मुझे कोई गलती कर रहा है, रजोगुणियों को भगवान की गीता न सुनाया कर, शायद रजोगुणी को रामायण अच्छी लग जाए। क्यों, कहानी है ना, बड़े मीठे शब्दों में गोसाई जी ने बयान किया है, शायद भागवत पुराण है, प्रभु की कहानी है ना, गीता कहां अच्छी लगे। गीता तो ज्ञान है, गीता विज्ञान है, गीता से बढ़कर कोई शिक्षा नहीं, क्योंकि भगवान कहते हैं ये इल्मी शहीद है, ये रस है, बड़ी चोटी का रस है, बड़ी चोटी का ज्ञान है। ऐसु को कहां अच्छा लगेगा, ऐसु को नहीं अच्छा लगता। हाँ, हम बगले को कहती है ले मोती चुग, जिसने हर समय मछली कारी चोट चला, बगलों को ना मजबूर करो, वो ज्ञान के मोती चुगे, उन्हें तो कंचन कामनी कीर्ति रूपी मछली पारी अपनी मन और बुद्धि चला दी। तो भगवान कहते हैं मन को खाली करने के पहले तू कहे मैं कर्मों के जंजाल से छूट जाऊं, नहीं छूट सकता। आगे फकत करके आमान से कर, अगर कोई छोड़ भी दे जबरदस्ती, ना भी हम नहीं करेंगे, कोई मेरी बेटी छोड़ दे, अंदर के संकल्प विकल्प, ओ मेरे रब, वो तो रहेगी। जब संकल्प विकल्प रहेंगे तो फिर क्या, फिर कर, तू करने पे मजबूर हो जाए। कर्म तो तब छूटती है बेटी, अंदर संकल्प विकल्प ना आए। हाँ, छोड़ दिया, छोड़ दिया, उसका सुफुरना ना आए। आपको डॉक्टर ने कहा मांस की दाल आपने नहीं खाई, ये मैं होती है, आप में हवा बढ़ती जा रही है, इसलिए आपकी हिचकियां बदली होती और आपका सिर दर्द रहता है। अच्छे डॉक्टर साहब, मैं मांस की दाल नहीं खाऊ, वाकई आपने छोड़ दी, बड़ी चली गई, बड़ी कपली, क्यों बता, तू सच बता दे, मांस की दाल छोड़ दी, छोड़ तो दी है, उसकी याद रोज है। क्या करूं, मुझे इतनी अच्छी लगती थी, आज मैंने छोड़ तो दी, तो फिर तुझे याद क्यों आती है, मुझे ऐसा लगता है जैसे मांस की दाल मुझे याद करके रो रही, मांस की दाल रो रही है। हाँ वो रो रही है, नहीं बहन मैंने क्या गुनाह किया, मैंने क्या तुझे गालियां दी, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। डॉक्टर ने कहा, डॉक्टर तो कहती आती है, कोई ऐसे थोड़े मरीज होते हैं जो उनका कहना मान जाए। जिसके अंदर सुफुरना आता है दाल का, आप अंदाजा लगा लो, 10 दिन नहीं खाएगी, 20 दिन नहीं खाएगी, यहां जबर से काम कब तक जबर किया जाए। मजा तो तब है दाल का चिंता ही ना, त्याग का अर्थ नहीं ना, जो हमारे कृष्ण लेते हैं, एक चीज आपने छोड़ दी उसका चिंतन भी ना हो। बड़े बड़े साधु महात्मा क्यों गिर जाती है, चिंतन नहीं छोड़ती, फगे कपड़ों को बदनाम करती है, दाग लगता है, क्यों, जो उन्हें त्यागी बने थे तो अंदर से भी त्यागी बन जाते। पहले महापुरुष पहुंचे हुए होते थे तो भगवान तब पहनाते थे जब अंदर से विराग आ जाए। ये किसी घटना से विराग तो आ गया लेकिन अंदर से विवेक नहीं जागा, विवेक नहीं जागा तो वो गिर जाएगा। इस करोड़ों वाली बात को पकड़ लेना, त्याग तब त्याग है जिसको छोड़ा उसका मन चिंतन ही ना कर, उसका मन मेरे सजनों सोचे ही नहीं, काम को छोड़ दिया, अब सोचे ही नहीं, या पत्नी मां रूप में नजर आए या पत्नी अपनी हमराही अपनी साथन नजर आए, तब आप खत्म। क्रोध हमेशा ही प्यार हुआ के साथ, ये मन में भाव हो मेरे साथ कोई वैर कमाए मुझे गालियां दे, पर मैंने इस राक्षस क्रोध को अपने अंदर नहीं आने, अब आप अंदर हो ही नहीं। भले बेटी कुछ कर रही है पुत्र तेरा नुकसान होगा, मेरी बेटी हाय पिताजी देख ले बच्चों की मां जी, ये जो कुछ कर रही है इससे तेरा भविष्य नहीं अच्छा होगा, मैंने तो प्यार से कह देना आगे मर्जी आप कोई बोल अप्रोच, ये गलत लोभ का है। प्रचार किया भगवान जो भी आप में लाखों करोड़ों है इसी है, आप थोड़े को बहुत मान ले, लोग शर्मिंदा होकर भाग जाए, तब लोग तो ख्याल ही ना आए, ओ देवी इस बात को पकड़ लो, ओ मंदिरों में इस बात को नहीं दिया जाता, ओ पुत्र ओ बुजुर्गो इस बात को मेरे बेटों नहीं दिया जाता, ये वृत्तियां मरे तो धर्म स्थान में जाना लाभ हुआ, वरना इट्टा रोड़े चार दीवारी और भगवान की मूर्ति का नाम मंदिर नहीं होता, बल्कि भगवान के अनुसार जीवन बनाने का नाम मंदिर है। हाय हाय,
भगवान की गीता हमें बार बार कह रही है, ये दुनिया है उसकी, सुनेगा ना मेरी जो अहंकार से। जाके भगवान को हमें हर हिंदुस्तान में धर्म हिंदुओं के मंदिर में जाएंगे, भगवान राम भगवान कृष्ण की पावन विग्रह मूर्ति से पावन विग्रह आपको नजर आएगा। हाँ, जाके मत्था टेकते परिक्रमा करती है, और दयालु प्रभु ये भी बिठाती है जिसको प्रणाम कर रही हूँ, जिसके सिर झुका रहा हूँ, इसकी आज्ञा को मान, जो इनका उपदेश है उसके अनुसार जीवन गुजारू। नहीं, परिक्रमा की चरणाम लिया, मत्था टेका, वैसे ही बेवकूफ बन के गए, वैसे ही जाहिल बन के बाहर निकला, फायदा क्या हुआ? ऐसे मेरे मन बड़ी बगावत करता है, बड़ी हलचल मचती है, मैं आप से बाहर हो जाता हूं, फायदा क्या हुआ? प्रभात के साथ मत्था टेका, हाँ मत्था टेकने से पहले भी कामी क्रोधी रोपी था, अभी भी कामी क्रोधी, तो फायदा क्या हुआ? हाय, कभी कभी मैंने मार खाई अपनी मां की, मुझे कभी शर्म नहीं आई बताने में, सर्दियों की बाहर होती, हाँ अलग एक कमरा कोने में था, हाँ माँ बाल्टी रख देती, हम नहा के बाहर आते, माँ को तरस नहीं आता हमें ना मारे, एक रोता मैं उसका बेटा हूं, पर माँ थी सब बेटा इतने जोर का माँ का भारी आता पकड़ लेती यहां से, आप भी दर्द हो बड़ा कस के पकड़ लेती, पर नहाया नहा के निकला हूं, मैं नहीं मानती, एक बार के एक और कहती मार फिर, और इतनी दंड ना मार, क्यों मैं ना आया, कोई ना आया, ये गिगे तो साफ नहीं की, ये मैं तो लगी हुई है खाया, मां मैंने पानी गिरा दिया, ना आया कोई मार खाई ना मैंने, कई बार ऐसी चलाकी करते थे अपनी सगी मां के साथ, पानी पूरी यूं डाल दिया, ये गड़बी भरी तो मां को आवाज है ना आ रहा हूं, हरे कृष्ण गड़बी परे डाल जा रहे, जिसे पे नहीं परे, हरे कृष्ण परे परे, जिसने पैदा किया, जिसके पेट से पैदा हुए, वो माँ हमारी हर नकलो हरकत को जानती है, दिगो से पकड़ लेगी, यहां से कोई गन मत लगा होगा या कोई चीज यहां जमीन नहाए तो माँ ने कहा मुंह हाथ मारा करो, सिर पे हाथ मारा करो, यू हाथ मारा करो, यू ताकि खुल जाए, पर यू तो मारे तब ना जब पानी डाले तो पकड़ लेती थी ना, भी नहाए और मूढ़ी साफ हुआ, इस तरह मुझे याद आता है, भगवान के सामने जाए और मन ना साफ हो फिर मार खानी है कि नहीं, जैसे माँ ने हमें मारा, नहा क्या है, हाँ नहीं नहा क्या है, और मांगी बाकी नहीं नहा क्या है, ना मार मां के दर्द हो रही है, बाकी नहीं नहा के आए, क्योंकि सब गंद लगा हुआ है मुंह पर इर्द गिर्द इधर उधर, हाथ भी सब्जी वाले हैं वो हल्दी हल्दी वाले, तो पकड़ लेती माँ हाथों से, मुझे उसने पैदा किया है, उसे पता कोई कितने पानी में है मेरा पुत्र मेरी दी, इस तरह भगवान के पास आए और हमारा मन न निर्मल हो, भगवान क्यों ना हमें मार दे कि तू कपटी है छली है। याद रखो मेरी देवी, मैं तो थोड़ी सी जीवों को कह रहा हूं, जैसे हमने अपनी माँ की मार खाई, बाथरूम से निकले और फिर भी गिगे लगी और फिर भी गंद मुंह पर लगा हुआ हो तो फिर तो गंदी बात होगी ना, और सिर कोई नहीं गिल्ला होता, माँ हाथ लगाते हैं लेकिन है कोई तो पानी तो है कोई नहीं, इसी तरह भगवान के पास आए फिर भी हमारा अंतःकरण ना निर्मल हो, हमारी गलासत ना जाए, कुछ फायदा नहीं, फिर धर्मस्थानों में तीर्थों पे धक्के खाने का कुछ फायदा नहीं, हम जाए हमारा अंतःकरण निर्मल हो जाए। यही जगत गुरु ने लोगों से गालियां भी खाई पर गंगा जी का तट छोड़ा नहीं, हजारों नहाने वालों को अपना डंडा रख देते, डंडी स्वामी लंबा लंबा करके कहते सनानाम, आप बोलो मनोमल, ओ दुनिया वालों, ओ झल्लो, ओ मूर्खो, तुम स्नान करके बाहर निकल आए हो, स्नान तो मन के मल को दूर करने का नाम, उनके शब्द कभी ना भूलना देवियों, में बड़ा लाभ उठा रहा हूं, स्नानाम मनोमल क्या भला हो आपके शंकराचार्य जगत गुरु, भला हो आपका, स्नानम मनो मल त्यागम, जैसे संस्कृत नहीं पढ़े हुए तो भी इस छोटी सी लाइन को याद रखना, इसमें बड़ी ताकत है, स्नानम मनो मल त्यागम, नेक जीवो तभी इस स्थान पे आने का लाभ, मेरी गीता सुनाने का मुझे और आपको तभी लाभ है, हमारे मन का मल दूर हो जाए, और मन के मल के मन के दोष क्या है, ये काम ये क्रोध ये मोह ये लोभ ये अहंकार, इनको दो शब्दों में कहा जाए तो राग और द्वेष, अगर ये दूर हो गया तो वाकई मेरा यहां रहना सफल, आपका इस स्थान पे आना सफल, अगर ये दूर हो गए भगवान मुझे भी लानत मारेंगे और आपको गिन गिन के मारेंगे, बड़ी सजा मिलती है भगवान इससे बढ़ के, सजा क्या दे प्रभु, ये दुनिया है उसकी, वो दोनों जहां से मारे जाते हैं,
हमारे में ऐसा कोई भी ब्लैक शीप ना हो, कोई ये मन में आ जाए कि मैंने भगवान की वाणी सुनी है, अंतःकरण को निर्मल करने की, अंतःकरण को सुंदर बनाने की शब्द। हमारे सरकार हमारी प्रभु क्या करेंगे, फकत तरके आमाल से बारी कर्म छोड़ दिए। हाँ, किसी को सिद्धि मिलेगी, नहीं मिल सकती, यानी ही कैन नॉट बी ए परफेक्ट मैन। क्यों रिनाउंस एन ऑल दी एक्शन, रिनाउंस कर डाले कि हम तो हमें जरूरत नहीं है ना, कर्म करने का तरीका सीख ले। अच्छा हाँ, तरीका सीख करके हाँ फिर कर्म करें, हाँ अंतःकरण निर्मल हो जाएगा। यही कर्म करने का तरीका सीखता, मन निर्मल हो जाता है।